रेड एफएम वालों के पास कर रहा है, उनके सामने ऑडिशन दे रहा है, वो सुन लेंगे ना तो दूसरा लेके जाएंगे सस्ते में। कोई बात नहीं, सस्ती का माल रस्ते में। क्या करते हैं आप? जी मैं 11th अभी 12th क्लास में जाने वाला हूँ। ये पूरा लॉकडाउन का आपने घर से पढ़ाई किया? हाँ जी। लॉकडाउन में आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा था? जी एक्सपीरियंस अच्छा भी था, स्ट्रेसिंग भी था, क्योंकि यू नो 2:30 बजे तक ऐसे करना, फिर बीच में कंप्लेंट भी करी थी हमने, तो फिर उसके बाद सॉर्ट आउट हो गई थी प्रॉब्लम। टीचर लोग से कंप्लेंट? जी। कि ऐसे क्यों करा रहे, क्योंकि वो क्या रीज़न क्या था उसका? जी रीज़न ये था कि पहले तो सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक ऐसी क्लासेस होती थी, जो मतलब इंटरेस्टिंग था, ऐसा नहीं था कुछ यूटिलाइजेशन था, बट बीच में इरिटेटिंग हो गया था। और म्यूजिक क्लास भी करता था मैं अपनी फिर ऑनलाइन। अच्छा आप गाना गाते हो? जी मेरे को बनना है प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक सिंगर बनना है, वेरी नाइस, आपसे गाना जरूर सुनेंगे। आप क्या करती? मैं हाउसवाइफ। लवली। कुछ महीने पहले तक हम सारे लोग डरे हुए थे, आज देखो एकदम चिपक के बैठे हुए। आप थोड़ी जांग उनसे हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी चल रही है ना। एंड ये बहुत डेंजरस चीज भी थी, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि धीरे धीरे, इसको किसी ने बोला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट, सरकार, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स अभी भी ये बोल रहे हैं कि आपको मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। एक्चुअली हमको वो रखनी है, बट क्या हो रहा है ना, नेचुरली हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो चुके हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मेरी गाड़ी, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, मेरी गाड़ी -1 पे खड़ी थी, मेरी इतनी ज्यादा पड़ी थी ना, मैं कुछ चीजें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए छोड़ दूंगा, वो आपकी नियत पे है, कि मैं नीचे तक नहीं गया कोरोना के टाइम पे। अच्छा हुआ उसकी वजह से हम कोविड से दूर भी रहे, और उसकी बैटरी डेड हो गई, वो ऑन ही नहीं हुई, फिर उसको 3-4 महीने के बाद बुलाना पड़ा और फिर बैटरी ऑन हुई। और अब देखिए अभी भी सिचुएशन वैसी नहीं है, वैक्सीन आ चुकी है, बट आई थिंक हम लोग सब उसको थोड़ा सा और भी क्या कहते हैं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इतना धक्का जब हमने मारा है तो अभी उतना उससे ज़्यादा भी रिलैक्स होना नहीं है। वेल सो और एक बार, मैं रौनक हूँ, रेड एफएम पे काम करता हूँ। 2011-12 का टाइम था, एक कैरेक्टर निकल गया था मेरे अंदर से जिसका नाम बहुआ है, और तब से बहुआ मेरे से थोड़ा ज़्यादा फेमस हो गया। आज तक मैं रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर बहुआ मुझसे ज़्यादा फेमस क्यों है। इनफैक्ट मेरे घर वाले ज़्यादा एम्बेरस हो जाते जब उनसे कोई बोलता है अरे बहुआ के पिताजी, उनको बड़ा अजीब सा लगता है। फिर एक दिन मैंने उनको साइड में बुलाया, सारा पैसा घर गाड़ी इसी से आया है, इतना शर्मिंदा क्यों हो रहे? और बहुआ के साथ बेस्ट पार्ट ये होता ना कि कई लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि जब बहुआ किसी को फोन लगा रहा है और सामने से कोई गंदा बोल रहा है। सो एक जन आया मेरे पास, उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं, मेरा 4 साल का बेटा समझ गया। मैंने बोला सर उसमें तो बीप लगी हुई थी। बोला फिर भी समझ गया। बोला फिर गलती किसकी है? बट अच्छा लगता है कि एटलीस्ट किसी एक को गालियां पड़ रही है। और हमारी फितरत होती थी कि जब कोई चल रहा होता है और अचानक केले के छिलके पे पैर रख के वो फिसल जाता है तो 10 लोग उसको देख के हंसते हैं, हाँ उठाते भी हैं, बाद में पूछते भाई चोट तो नहीं लगी, पहले हंसी निकल जाती है। सो एक की मजबूरी दूसरे का तमाशा बन जाती है। तो अगर बहुआ का थोड़ा बहुत गंदा छींची यार गंदा बोल रहा है अगर ये सुनने को मिलता है, सो आई थिंक वो हमारे लिए एक तरीके से सही है कि चलो मैं सुन लेता हूँ कम से कम आप। और मेरे को लगता है ऐसे में बहुत लोगों की नौकरियां बचाई हैं, पूछिए कैसे, क्योंकि सुबह 9:30 बजे ऑफिस से पहले बहुआ आ रहा होता है और पब्लिक मुझ पे भड़ास निकाल के अपने ऑफिस में पहुंच रही होती है तो बॉस को उल्टा जवाब नहीं देती है, और फिर रिटर्न में भी कभी कभी शाम को बहुआ आता है तो घर पे जाके घर वालों को जवाब नहीं देती है, तो उनका घर और ऑफिस दोनों एकदम सुखी है। सो मेरे को लगता है वो एक बेस्ट चीज़ हो जाती है। बाकी आज एक अपने पास यूनिक अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, और मैं चाहूँगा ऑडियंस में से कुछ लोग यहाँ पर आएँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे जिनको बहुआ शायद पहली बार दिख रहा होगा या वो मिलना चाह रहे होंगे। सो वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप, वरना अगर किसी दिन इनकी चटक गई ना कोई काम नहीं हो पाएगा, बहुत सारे फोन कॉल जाएंगे ऑफिस में भी, फिर घर पे जल्दी आना पड़ेगा, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। आप भी प्रेशर देते हैं? हाँ कई बार देना पड़ता है। वो मुस्कुराते हुए प्रेशर ले भी रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं प्रेशर की। थैंक यू अनिता जी, थैंक यू वेरी मच, आप स्टेज पे आई। आपको कुछ कहना है दिल्ली की जनता से जो यहाँ पे जमा है? अच्छा नोएडा से कितने लोग यहाँ पे? गुड़गांव से, दिल्ली से, साउथ दिल्ली से, साउथ दिल्ली से, ठीक है। अच्छा नहीं, नोएडा गुड़गांव वाले भी बाहर के लोगों को दिल्ली ही बोलते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, वो उसको बिल्कुल अलग नहीं मानते, लेकिन जब दिल्ली में आते तो दिल्ली वाले उनसे पूछ लेते हैं कहाँ रहते हो, बोलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? नोएडा में। अच्छा फरीदाबाद, सॉरी मैम, सॉरी 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 सॉरी।
सो बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, लोगों से अगर आपको कुछ कहना है तो। सब सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, कोरोना का टाइम चला हुआ है। आप मेरे जरा करीब आके रहे, मुझे थोड़े लोगों को जलाना है। आपको पता है इस पूरी भीड़ में एक आदमी वीडियो भी बना रहा है, शायद वो वीडियो डिलीट भी हो जाए थोड़े टाइम में। ये वीडियो बिल्कुल नहीं डिलीट होना चाहिए, इनकी मेरी करीबी जरा आनी चाहिए आपके साथ। अच्छा पिक्चर, एक्चुअली उन्होंने तो पूरा वीडियो बना लिया आई थिंक। अच्छा ये खड़े हैं आपके दोनों चेक्स में, वेरी गुड सर, ले लीजिए पिक्चर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया है, साइज भी ऐसा होता है, बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप स्टेज पे आई, आपने बात करी। हाँ फोटो आपकी पूरी वीडियो बन गई है फोटो में। हाँ नहीं नहीं उसमें से बन जाएगी, सर ले लीजिए वहां से ले लीजिए एक फोटो। नेक्स्ट कौन आ रहा है प्लीज आइए, फिर बात करते हैं और आपको दिल्ली वालों से मिलाते हैं। आइए भाई साहब आइए आइए। ये तो माइक पे बोलना चाहिए था इनको। थैंक यू वेरी मच मैम, यहाँ से आप प्लीज आइए और यहाँ से हमारे सब पे भारी भगवान है। सो क्या हाइट है आपकी? सर जी मेरी हाइट काई से भी ना जी, से भी नहीं है जी। अरे हाइट कितनी है मैम? 6 फुट है जी। 6 फुट है, प्रॉपर 6 फुट है ना? हाँ 6 5 5।